मैं पिछले 3 साल से मुझे गढ़ की प्रॉब्लम है। ऑपरेशन के बाद कुछ ही घंटों में मैं चलना फिरना बाथरूम वगैरह जाने के लिए मुझे किसी की सहारा की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैं रोटी पोहा दाल वगैरह सब्जी सब कुछ खा सकता हूँ, मुझे कोई खाने पीने में दिक्कत ही नहीं है। मेरी सर्जरी का अभी 3 साल हो चुका है, काफ़ी बढ़िया हो गया है और सब कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। नमस्ते, मैं विशाल गुरुंग मध्य प्रदेश सागर से। मैं पिछले 3 साल से मुझे गढ़ की प्रॉब्लम है गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज का, तो मुझे पिछले 3 साल से जो भी हो रहा था इसमें मैं काफ़ी परेशान था इससे, तो अभी आकर मैं काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया तो उसमें मुझे लास्ट में आके डॉक्टर चिराग ठाकर सर से मेरा कंसल्ट हुई, तो इसमें मैं कल से मेरा पीएच स्टडी शुरू हुआ 24 आवर्स का। इसमें मुझे नाक से पाइप लगा के और मेरा जो है ये मीटर, यहाँ पर जो मीटर है मीटर को यहाँ पर बांध दिया गया है, इससे मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से सोया शाम को, सुबह भी 6:30 के लगभग नाश्ता वास्ता करके फिर मैं दोबारा यहाँ पर आया और बाकी सब ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं होता है, बाकी सब ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इससे अपना जो है घर का प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इसका इलाज ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन इलाज है और सबसे अच्छा रहेगा और बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, मेरा नाम विशाल गुरुंग, मैं मध्य प्रदेश सागर से आया हूँ और मैं पिछले 2.5-3 साल से गढ़ का बीमारी से परेशान था, तो आज काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद मैं यहाँ पर आज अहमदाबाद में डॉक्टर चिराग ठाकर सर के पास आया हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेरा पिछले 5 दिन पहले मेरा गढ़ का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के दौरान मुझे कोई तकलीफ हुई नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। जब मेरा गढ़ का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद ऑपरेशन के बाद कुछ ही घंटों में मैं चलना फिरना बाथरूम वगैरह जाने के लिए मुझे किसी की सहारा की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं खुद ही बाथरूम होके आया, वॉशरूम होके आया, मुझे इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हुई। और खाना पीना वगैरह सही तरीके से खा रहा हूँ पी रहा हूँ, जूस वगैरह पी रहा हूँ, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। और बाकी अभी मैं फॉलोअप में आया हूँ, ड्रेसिंग वगैरह हुई है मेरी, नॉर्मल ड्रेसिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। और मैं कल मेरा ट्रेन का रिजर्वेशन है, मैं कल नेपाल चला जाऊंगा। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, मैं विशाल मध्य प्रदेश भोपाल से। मुझे पिछले 3 साल से एसिड रिफ्लक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इस बीमार से मैं बहुत टेंशन में था और आज पिछले 3 महीने पहले मैंने अहमदाबाद में जाके डॉक्टर चिराग ठाकर सर से इसका इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया मैंने, तो मुझे अभी काफ़ी बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं सब कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस बीमारी से परेशान है तो प्लीज़ अपना इलाज करवाइए और स्वस्थ रहिए, मैं सलाह देना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं विशाल गुरु, मेरा एसिड रिफ्लक्स का मुझे बहुत ज़्यादा समस्या था पिछले 3 साल से, तो अभी सर्जरी के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है, सब कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मेडिसिन भी बंद हो चुका है। पिछले सर्जरी से पहले मुझे बहुत दिक्कत होता था, काफ़ी रिफ्लक्स एसिड रिफ्लक्स का बहुत प्रॉब्लम होता था,
कोई कुछ कोई भी चीज़ खा पी नहीं पाता था, काफ़ी बहुत ही दिक्कत होता था। अभी मेरा सर्जरी किया हुआ 3 साल हो गया, अभी काफ़ी आराम मिल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, हर चीज़ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नमस्ते।